आदमी अपने। क्यों अपने के गाने इतने पॉपुलर रहे थे? क्या अपने टू में भी म्यूजिक कॉम्पोजिशन फिर से हिमेश रेशमिया ही करेंगे? अपने टू में कौन कौन से गाने होने वाले हैं, चलिए बताते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ पंखुरी। 2007 में रिलीज हुई फिल्म अपने बहुत ही पॉपुलर रही थी। इस फिल्म की कहानी और कास्ट के साथ साथ एक और चीज भी है जिसने फिल्म को इतना इमोशनल और सोलफुल बनाया है, और वो एलिमेंट है इस फिल्म के गाने। जी हाँ दोस्तों, अपने जितनी खूबसूरत फिल्म थी, ठीक उतने ही खूबसूरत थे इस फिल्म के कुछ गाने। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसके गाने उस पिक्चर में चार चांद लगा देते हैं और अपने भी उन्हीं फिल्मों में शुमार है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो में ये जान लेते हैं कि अपने टू में कौन कौन से गाने होने वाले हैं और क्यों हैं अपने के गाने इतने ज्यादा पॉपुलर। अपने में कुल छह गाने हैं। इन छह गानों में से दो गाने ऐसे हैं जो कुछ ज्यादा ही फेमस हैं। एक है अपने तो अपने होते हैं, जिसे सोनू निगम, जसपिंदर नरूरा और जयेश गांधी ने गाया है। ये फिल्म का टाइटल ट्रैक भी है और ये गाना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था क्योंकि इससे लोगों को एक इमोशनल अटैचमेंट भी है और ये गाना सोलफुल म्यूजिक का एलिमेंट भी पेश करता है। इस फिल्म के सारे गानों की कॉम्पोजिशन पॉपुलर म्यूजिक कम्पोजर हिमेश रेशमिया ने ही की है। हिमेश रेशमिया की कॉम्पोजिशन काफी सालों से बहुत ही बढ़िया रही है। अपने का एक और गाना जो काफी पॉपुलर हुआ था वो था इस फिल्म का रोमांटिक नंबर देखूं तुझे। ये गाना हिमेश रेशमिया और आकृति कक्कड़ ने गाया था, जो कि पिक्चराइज हुआ था बॉबी देओल और कटरीना पे, जो कि इस फिल्म में इनके लव एंगल को दिखाने के लिए रिकॉर्ड हुआ था। इस फिल्म के और गाने जैसे कि महफूज रखता हूँ भी काफी पॉपुलर थे, जिसमें बॉबी देओल ने स्टेज परफॉर्मेंस की थी और सबका दिल जीत लिया था। हालांकि ये गाना हिमेश रेशमिया ने गाया था लेकिन शो तो बॉबी देओल ही ले गए थे। ऐसे ही कई सारे गानों के साथ अपने का साउंडट्रैक बहुत पॉपुलर था और फिल्म में चार चांद लगा दिया था। बात करें अपने टू की तो कहा जा रहा है कि अपने टू में भी हिमेश रेशमिया ही म्यूजिक कंपोजर के रूप में नजर आएंगे, लेकिन शायद सोनू निगम ना दिखे, क्योंकि ये लास्ट टाइम था जब सोनू निगम और हिमेश ने इस फिल्म के लिए साथ में काम किया था। इसके बाद उनकी आपसी रंजिश की वजह से दोनों ने साथ में किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। इस प्रॉब्लम को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो अपने टू के गाने भी शायद बहुत ही मस्त होने वाले हैं। अपने टू का टाइटल ट्रैक अपने तो अपने होते हैं 2.0 ही होगा, क्योंकि इस गाने को रिप्लेस तो किया ही नहीं जा सकता। ये गाना इस फिल्म के टाइटल ट्रैक के साथ साथ इसकी पहचान भी जो है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही फिल्मी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। वो उस महल से आए और हमारे गांव का